नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। कंगना रनौत को अभी वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। क्या आपको मालूम है कि ये वाई प्लस सिक्योरिटी होती क्या है? खैर, आपको ये मालूम है कि जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होती है, जेड सिक्योरिटी क्या होती है, वाई प्लस सिक्योरिटी क्या होती है, वाई सिक्योरिटी क्या होती है, एक्स सिक्योरिटी क्या होती है और एसपीजी क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सुरक्षा के लेवल किस आधार पर तय किए जाते हैं और इनके अंदर कौन कौन से लेवल में कितने सुरक्षा कर्मचारी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक लेवल की सिक्योरिटी की, यानी एक्स लेवल सिक्योरिटी। एक्स लेवल की सिक्योरिटी में एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ होता है और उसके साथ में एक सुरक्षा कर्मचारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमांडो नहीं होता। इसके बाद आती है वाई लेवल की सिक्योरिटी। वाई लेवल की सिक्योरिटी में सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 11 होती है। इसमें दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इसमें कमांडो भी होते हैं। अब हम बात करते हैं वाई प्लस के बारे में। वाई प्लस के अंदर सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 11 होती है, दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और उसी के साथ साथ पायलट गाड़ियां भी दी जाती हैं, यानी वो गाड़ियां जो आपकी गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए उसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जेड प्लस कैटेगरी के बारे में। जेड प्लस में 36 सुरक्षा कर्मचारी होते हैं। ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। इसमें एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान शामिल होते हैं। इस जेड प्लस सुरक्षा के घेरे में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी के ऊपर होती है और दूसरे घेरे की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो पे होती है और उसके आगे की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के हाथ में होती है। और आपको ये भी बता दें कि आज के वक्त देश के 15 लोगों के पास जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा है। इसके बाद बात करते हैं एसपीजी की, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। ये प्रधानमंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को दी जाती है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ साल बाद 1988 में एसपीजी का गठन हुआ। एसपीजी का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए होता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एसपीजी सुरक्षा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।